आज हम कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि कुछ में रश्मिक मिक्सचर बनता है, कुछ में नहीं बनता। अपने पास जैसे मान लो कि अपने पास ये फॉर्मल्डिहाइड, क्या है फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है। अपने पास ये जो कार्बन है, ये कार्बन sp2 सेंटर, क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है। जब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना, तो इसमें जो प्लेन होगा ना वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर है। कैसा है ट्राइगोनल प्लेनर है। और इसमें क्या कहते हैं, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अपने पास ये बात समझते हैं कि अपने पास जो ये एल्डिहाइड है कैसा है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है, और एंगल का मतलब प्लेन कैसा है ट्राइगोनल प्लेनर है, और अपने पास एंगल कैसा है 120। इसके सारे एटम एक ही प्लेन पे होंगे, क्या होंगे एक ही प्लेन पे। अगर मैं ट्राइगोनल प्लेनर की बात करूं, तो अपने पास ये कोई एटम है, मान लो ये एटम है, कुछ ये ऐसा है ट्राइगोनल प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में, क्या है एक ही प्लेन में है, और ये टू डायमेंशनल है, क्या है टू डायमेंशनल प्लेन है। तो अपने पास ये देखते हैं कि अपने पास ये जो sp2 कार्बन है, ये कैसा है ट्राइगोनल प्लेनर है, अपने पास एंगल कैसा है 120। जब इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, क्या करता है न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना वो अटैक करेगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ प्लेन होती है, जब कोई एक चीज़ प्लेन होती है, तो जो अटैक है वो अपर साइड से भी हो सकता है, लोअर साइड से भी हो सकता है। तो वहाँ पे बनता है रेशमिक मिक्सचर, और रेशमिक मिक्सचर बनने से पहले हमें एक चीज़ चेक करना है कि वो रेशमिक मिक्सचर है कि नहीं। जो बनने वाला कंपाउंड या प्रोडक्ट है वो काइरल कार्बन है, रखता है कि नहीं रखता है। तो अपने पास मान लो कि ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक कर रहा है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो अपने पास ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड बना है, कितना पाई बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड बना है, ये कैसा है पोलर टाइप है, क्या है पोलर टाइप है। तो पोलर टाइप है, और ये पाई ये क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, और कार्बन क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्या आ रहा है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ रहा है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन एटम पे कि ऑक्सीजन एटम पे, न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहाँ पे, कार्बन पे या ऑक्सीजन पे, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहाँ है कार्बन पे। तो ये न्यूक्लियोफाइल अगर नीचे साइड से अटैक कर सकता है, नीचे साइड से भी अटैक कर सकता है और ऊपर साइड से भी अटैक कर सकता है, ठीक है, नीचे साइड से भी अटैक कर सकता है और ऊपर साइड से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि अपने पास जो ये फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है कैसा स्ट्रक्चर है प्लेनर है। तो अपने पास अगर ये नीचे साइड से अटैक कर रहा है तो प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया नीचे साइड से, और अपने पास ये ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा कंप्लीटली निगेटिव चार्ज, क्या होगा कंप्लीटली निगेटिव चार्ज। तो अपने पास एक तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, जब एडिशन कहाँ है नीचे साइड से है, ठीक है, अपने पास प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, ठीक है। अच्छा बताओ, अपने पास ये जो दोनों प्रोडक्ट बन रहा है, एक में अटैक कहाँ दिखा रहा है लोअर साइड से, एक में अटैक कहाँ से दिखा रहा है अपर साइड से। तो मेरे कहने का मतलब 50% अटैक लोअर साइड से हो सकता है, और 50% अटैक कहाँ से हो सकता है अपर साइड से। तो अपने पास जब लोअर साइड से अटैक होगा या अपर साइड से, तो एक तो R बनाएगा, क्या बनाएगा R, और दूसरा क्या बनाता है S। कोई दिक्कत, ये R और S कब बनाएंगे, जब उनके पास ये कार्बन काइरल होगा, क्या होगा काइरल, जहाँ पे अटैक हो रहा है, जहाँ पे एडिशन हो रहा है, अगर वो कार्बन काइरल हो, क्या हो काइरल हो, तो ये 50% R बनाएगा 50% S। अच्छा बताओ, क्या ये कार्बन काइरल है, ये कार्बन काइरल नहीं है। काइरल कार्बन होने के लिए एक कंडीशन है कि उससे अटैच चारों ग्रुप जो लगे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, क्या होने चाहिए डिफरेंट होने चाहिए। तो अपने पास यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये भी हाइड्रोजन सेम है और ये भी हाइड्रोजन सेम है, तो ये कभी भी काइरल कार्बन नहीं होगा। तो क्या कभी भी एल्डिहाइड जो अपने पास ये दे रखा है फॉर्मल्डिहाइड, क्या रेशमिक मिक्सचर बनाएगा, नहीं बनाएगा। जब कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप सेम हो, दोनों एटम सेम हो, तो कभी भी रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। सपोज दैट अपने पास यहाँ पे ये दे रखा है CH3, ठीक है, अब बताओ ये क्या है एल्डिहाइड है, क्या है एल्डिहाइड। अच्छा बताओ, अगर इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया जाए, तो क्या रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा,
करेगा। देखो कैसे करता है, अपने पास इसका अटैक कहाँ करवाना है, इसका अटैक अब अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाया जा रहा है, अपने पास ये क्या है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीसीज होती है जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो अपने पास ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अपने पास ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बांड बना है, ये बताओ पोलर पाई बांड है कि नॉन पोलर पाई बांड है। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बांड बना है, यहाँ पे एडिशन होना है ना, जहाँ पे पाई बांड होगा वहाँ पे एडिशन होगा। अगर वो पोलर पाई बांड है तो अपने पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, अगर नॉन पोलर पाई बांड है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। तो अपने पास ये यहाँ पे पाई बांड है, तो बताओ पोलर टाइप पाई बांड है या नॉन पोलर। तो अपने पास ये पोलर टाइप पाई बांड है, क्योंकि अपने पास कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर आ रहा है डेल्टा निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ रहा है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो अपने पास ये न्यूक्लियोफाइल नीचे साइड से भी अटैक कर सकता है, ऊपर साइड से भी है अटैक कर सकता है। जब नीचे साइड से अटैक करेगा तब भी प्रोडक्ट वही बनेगा, और ऊपर साइड से अटैक करेगा तब भी प्रोडक्ट वही बनेगा, लेकिन नाम अलग हो जाएगा। ठीक है, अपने पास देखो ये अटैक करवा रहे हैं CH3H C, ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे अटैक, ये न्यूक्लियोफाइल नीचे साइड से अटैक करवाएगा। कहाँ करवाएगा, नीचे साइड से। और एक चीज़ ये बन रही है, अब बताओ ये काइरल कार्बन है कि नहीं है, क्योंकि अपने पास इस काइरल कार्बन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या हैं डिफरेंट हैं। कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, जब कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होता है तो उसे बोलते हैं काइरल कार्बन। क्या बोलते हैं काइरल कार्बन। तो अपने पास ये कार्बन काइरल है, जब काइरल कार्बन होगा तो अटैक अगर नीचे साइड से है तो R भी लिख सकते हैं और S भी लिख सकते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो R लिखेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो S लिखेंगे। हम लोग आइसोमर्जन में ये बात पढ़े थे। ठीक है, तो अपने पास ये, तो इसे मैं कहूँ R है, क्या है R, और ये क्या है S। तो अपने पास 50% R प्रोडक्ट बनेगा, 50% S बनेगा। तो बताओ अपने पास जो एल्डिहाइड है ये रेसमिक मिक्सचर शो करेगा कि नहीं शो करेगा, क्योंकि जब प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनने के बाद इस कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप क्या है डिफरेंट है, डिफरेंट होने के कारण क्या ये रेसमिक मिक्सचर बनाएंगे। तो ये क्या बना R और ये क्या बना S। ठीक है, अपने पास हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें तुम्हें ये बताना है इसमें कौन सा रेसमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा कौन नहीं करेगा। ठीक है, तो अपने पास ये चार चीज दे रखी है। ठीक है, अपने पास देखो एक तो ये दे रखा है HC OH। ठीक है, दूसरा ये दे रखा है CH3 CO3। ठीक है, तीसरा ये दे रखा है CH3 CH। फोर्थ ये दे रखा है कोई दिक्कत। अब बताओ इसमें रेसमिक मिक्सचर कौन देगा कौन नहीं देगा। तो अपने पास ये है एल्डिहाइड, ठीक है, नहीं देगा। मेरे कहने का मतलब होगा इस कार्बन से जो sp2 कार्बन है, अगर sp2 कार्बन से अटैच ग्रुप सेम है, क्या है सेम है, तो वो रेसमिक मिक्सचर नहीं देगा। तो अपने पास देखो सब ग्रुप क्या है sp2 है, तो अपने पास ये क्या है sp2 ग्रुप, sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन कैसा है ट्राइगोनल प्लेनर होता है। जब ट्राइगोनल प्लेनर है और कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप क्या है सेम है, तो अपने पास ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या है फॉर्मेल्डिहाइड रेसमिक मिक्सचर देगा कि नहीं देगा, तो नहीं देगा, क्योंकि अपने पास इस कार्बन से अटैच ग्रुप सेम है, क्या है अटैच ग्रुप सेम है। ठीक है, ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे देखो ये भी क्या है sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप क्या है सेम है। अगर दोनों ग्रुप अटैच ग्रुप सेम है तो क्या रेसमिक मिक्सचर देगा नहीं देता, इसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और ये क्या है एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और ये क्या है कीटोन है, क्या है कीटोन। तो अपने पास ना फॉर्मेल्डिहाइड रेसमिक मिक्सचर देता है और ना ही कीटोन देता है, क्योंकि sp2 कार्बन से जुड़े ग्रुप क्या है दोनों सेम है। अपने पास ये क्या है एल्डिहाइड, क्या है ये एल्डिहाइड। बताओ ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप क्या है डिसिमिलर है, जब दोनों ग्रुप अगर डिसिमिलर है तो रेसमिक मिक्सचर देगा। अपने पास ये बताओ ये देगा रेसमिक मिक्सचर
देगा, क्योंकि sp2 कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। जब sp2 कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो रेस्मिक पिक्चर देगा, ठीक है। इसे बोलते हैं एस्टोफिनॉन। क्या बोलते हैं? एस्टोफिनॉन। अपने पास क्या है? ये बेंजोफिनॉन, ठीक है। तो अपने पास ये दोनों ग्रुप sp2 कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, तो अपने पास ये रेस्मिक पिक्चर नहीं देगा, कोई दिक्कत। तो अपने पास हम लोगों की रिएक्शन मैकेनिज्म में एक चीज पूछा जाएगा कि कौन सा रेस्मिक पिक्चर देगा, कौन सा रेस्मिक पिक्चर नहीं देगा। अगर sp2 कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप सेम होंगे तो रेस्मिक पिक्चर नहीं देंगे, अगर दोनों डिफरेंट है तो रेस्मिक पिक्चर देंगे। तो ऊपर वाले दोनों ग्रुप सेम है, क्या है, दोनों ग्रुप सेम है, तो कभी भी ये कायरल कार्बन नहीं बनाएंगे। जब कायरल कार्बन नहीं बनाएंगे तो आप कभी भी ये रेस्मिक पिक्चर नहीं देंगे। कायरल कार्बन क्या होते हैं, तुमसे कोई पूछे कायरल कार्बन क्या होते हैं, किसी भी sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप। क्या होना चाहिए, पहली बात, जो अपने पास ये कार्बन है जिसमें न्यूक्लियोफाइलिक फाइल का अटैक करवाया जाएगा। देखो अगर मैं इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दे रहा हूं, देखो एक एक चीज क्लियर रहे, अपने पास ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं इसका अटैक करवा रहा हूं तो ये अटैक अपर साइड से भी हो सकता है और लोअर साइड से हो सकता है, क्योंकि अपने पास ये जो कार्बन कैसा है, sp2, और प्लेन कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो अपने पास ये अपर साइड से अटैक कर रहा है या लोअर साइड से, जैसे अटैक करेगा तो अपने पास ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना, ये न्यूक्लियोफाइल आया। बताओ यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन था क्या sp2, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। तो अपने पास यह हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। अपने पास यहाँ पे ज्योमेट्री क्या थी, ट्राइगोनल प्लेनर थी, क्या थी, ये ट्राइगोनल प्लेनर थी, कोई दिक्कत, अपने पास ये ट्राइगोनल प्लेनर थी। लेकिन sp3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। अच्छा बताओ टेट्राहेड्रल चीज है, तो अपने पास पहली बात कायरल कार्बन के लिए क्या होना चाहिए, कि जो कायरल कार्बन या कायरल आइटम हो वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो अपने पास sp3 है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि इस कार्बन से अटैच चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो कायरल कार्बन कहलाएगा। तो क्या अपने पास ये दोनों ग्रुप सेम है, क्या है, सेम है, तो इसके चारों ग्रुप तो सेम है, डिफरेंट है नहीं। जब दोनों ग्रुप सेम हो गए तो ये कायरल कार्बन नहीं है। जब कायरल कार्बन ही नहीं है तो क्या रेस्मिक पिक्चर शो करेगा, तो रेस्मिक पिक्चर शो करने के लिए सबसे पहला जो प्रोडक्ट बन रहा हो तो sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, और अटैच कार्बन जो अटैच ग्रुप है कार्बन से वो चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। क्या यहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो अपने पास ये रेस्मिक पिक्चर शो नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार देख लो, ये अपने पास ये कीटोन है, कीटोन भी शो नहीं करेगा, तो अपने पास ये बाकी दो शो करेंगे, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो अपने पास ये क्या है, sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। रिएक्शन विथ वाटर प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, किसके साथ करवाना है, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड है, अपने पास ये क्या, फार्मेल्डिहाइड है, क्या है, फार्मेल्डिहाइड। जब फार्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई जाती किससे, वाटर प्लस एसिडिक मीडियम ले लिया, OH ले लिया, क्या ले लिया, OH, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अपने पास एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है, ये एसिड है, क्या है, एसिड, H प्लस निकला है, क्या निकला है, H प्लस। तो अपने पास यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। अपने पास ये चीज़ दे रखी कार्बन, ये कैसा कार्बन है, sp2 कार्बन, कैसा है, sp2। प्लेनर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, कोई दिक्कत। और बाउंड एंगल की बात करें तो 120। तो अपने पास बताओ, ये पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, क्या होती है, एसिड बेस रिएक्शन होती है। अपने पास ये क्या है, एच प्लस देखता है, तो जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, क्या होते हैं, लोन पेयर। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको देना चाहते हैं, एच प्लस को देना चाहते हैं, क्या करते हैं, एच प्लस को देना चाहेंगे। जैसे एच प्लस को ये लोन पेयर देंगे तो क्या होता है, ये लोन पेयर देंगे तो इसके ऊपर क्या आ गया, एच प्लस आया। जैसे ये एच प्लस आया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आया। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मेरी तरफ खींचने लगता है। जैसे खींचने लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और पाई बॉन्ड टूट जाएगा, कोई दिक्कत। तो अपने पास ये तो पहला स्टेप हुआ, तो अपने पास ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ डेवलप कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन में, कार्बन पे। कार्बन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। जो अपने पास ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, वो लोन पेयर किसको दे रहे हैं, हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन को दे रहे हैं, अभी आ रहे हैं, 10 मिनट बैठ के पढ़ो, ठीक है। तो अपने पास ये हाइड्रोजन को जैसे इलेक्ट्रॉन देंगे, तो अपने पास ये इलेक्ट्रॉन, इसका पॉजिटिव चार्ज उठ के उसके ऊपर आ गया, किसके ऊपर आ गया,
ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचना चालू किया किससे, अपने पाई इलेक्ट्रॉन से। जैसे पाई बांड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन के ऊपर उतना ज़्यादा अच्छे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब एक काम सुनना यहाँ पे, ये देखो अपने पास ये पॉजिटिव चार्ज सप्रेस हो गया, ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब अगला स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन है। तो अपने पास ये वाटर के पास क्या है, लोन पेयर है, तो अपने पास लोन पेयर, अब ये कहाँ जाके अटैक करेंगे, sp2 कार्बन पे। तो अपने पास ये स्टेप आया कुछ ऐसे, C, ये देखो ये H, H, ये OH, और ये क्या लगा दिया गया, OH, कोई दिक्कत। जैसे ही यहाँ पे गया तो अब कार्बन का पॉजिटिव चार्ज उठ के कहाँ गया, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज आया और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ गई। जब बढ़ जाएगी तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपना खींच लेगा, जब खींच लेगा तो हाइड्रोजन का बांड टूट जाएगा, अपने पास ये कुछ प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। कोई दिक्कत अपने पास, देखो इसके पास है एक कार्बन के ऊपर दो दो क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दो दो OH ग्रुप लगे हैं, क्या है, दो दो OH ग्रुप लगे हैं। अगर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। कोई दिक्कत, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अपने पास ये यहाँ पे लोन पेयर होंगे कि नहीं, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे भी लोन पेयर होंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन होगा, जब लोन पेयर रिपल्सन होगा तो ये वाटर अगर यहाँ से लॉस होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये रिएक्शन कैसे चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड। तो इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्या करता है, इसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। क्या देखो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी चीज़ हो रही है क्या, क्यों नहीं हो रही है, ऑक्सीजन है और ये क्या है, हाइड्रोजन। तो अपने पास यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी कोई चीज़ है, अपने पास ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ये एचडी मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर रिएक्ट करता है तो ये 95% तक स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। अगर मान लो यहीं पे प्रोडक्ट हम ये ले लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अपने पास ये जो प्रोडक्ट है अपने पास क्या है, एस्टेल्डिहाइड है, अपने पास ये क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड। अब बताओ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, वाटर के प्रेजेंस रिएक्शन करवा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब जब करवाएंगे तो क्या होगा, अपने पास एसिड बेस रिएक्शन होगा, सबसे पहले अपने पास ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के लोन पेयर किसको अपना लोन पेयर देने की कोशिश करेंगे, हाइड्रोजन को, क्योंकि अपने पास क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरीके काम कर रहा है और ये किसके तरीके काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरीके काम कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा तो मीडियम ही लिया जा रहा है एसिड बेस, क्या लिया जा रहा है, एसिड बेस मीडियम लिया जा रहा है। तो अपने पास क्या काम करेगा, यहाँ पे एक पोलर पाई बांड है, क्या है, पोलर पाई बांड है, तो ये पोलर पाई बांड इधर शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन के ऊपर जैसे मतलब ऑक्सीजन ऐसे हाइड्रोजन देगा, ऐसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो अपने पास ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और एक पाई बांड को ब्रेक कर देगा, जब पाई बांड को ब्रेक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, कार्बन एटम के ऊपर, क्या आ जाएगा, कार्बन एटम के ऊपर आ जाएगा। जब कार्बन एटम के ऊपर आएगा तो ये कुछ ऐसे बना CH3 CH C डबल बॉन्ड OH है और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है कार्बन एटम के ऊपर, बताओ तो यहाँ पे ये अब जो रिएक्शन होगी यहाँ पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर है। जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया तो CH3 COH, अपने पास ऑलरेडी OH था, ठीक है, और ये क्या लगा है, H, कोई दिक्कत। अपने पास यहाँ पे देखो दो दो एल्कोहल ग्रुप आ गए, ये मोर स्टेबल है और उससे ये कम स्टेबल है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, कोई दिक्कत, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है इस ऑक्सीजन का, देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया गया था ना, जब किसी मॉलिक्यूल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन लगा हो तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो दो जगह है, यहाँ पे एक जगह है, तो ये मोर स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा, ठीक है। अपने पास बताओ यहाँ पे क्या रेसमिक मिक्सचर बन रहा है, जब यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर नहीं बन रहा है, क्या यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर बन रहा है, यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर नहीं बन रहा है, हाँ ये OH ग्रुप दो जगह है, कोई दिक्कत, ये कायरल कार्बन नहीं है। तो
तो अपने पास काइरल कार्बन नहीं है, तो अपने पास यहाँ तो रेसिन किचर नहीं बन रहा है। जब हम एल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे किसके एसिडिक मीडियम में वाटर से, तो वहाँ पर रेसिन किचर नहीं बनेगा। तो ये बनने वाला प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी पे। किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी पे। अच्छा एक चीज़ हम बताते हैं, जैसे ही हमने कहा था यहाँ पे ये जब आया होगा ऑक्सीजन, जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक हुआ होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आया होगा, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो H+ के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। हम ये जानते हैं कि एसिडिक मीडियम में जो हाइड्रोजन लिया जा रहा है वो किसकी तरीके यूज किया जा रहा है, कैटालिस्ट की तरीके, और कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, रिएक्शन में कभी भी कंज्यूम नहीं होते, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा देते हैं, और जैसे ही वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वैसे ही बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एच प्लस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है। तो कैटालिस्ट हमेशा किस में डाला जाता है, स्मॉल अमाउंट में। ती बात समझ आ गई। तो हम पहले रिएक्शन कर रिएक्शन विद वाटर H+ एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब अपने पास दूसरी रिएक्शन है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड पढ़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम, मीडियम कैसा है, बेसिक है। अपने पास ये एल्डिहाइड है, क्या है ये कार्बोनिल कंपाउंड, क्या है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की जब रिएक्शन किसके साथ करवाई जा रही है, HCN की रिएक्शन करवाई जा रही है ऑन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन, किसके हाइड्रोक्साइल आयन के प्रेजेंस में करवाई जा रही है। तो अपने पास देखो ये बात समझते हैं, तो एक चीज यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ये किस में टूटेगा, H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे आपस में एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। तो ये CN क्या करेगा, अपने पास देखो जैसे ये CN निगेटिव देखेगा तो ये बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज होने के बाद अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत। जैसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अपने पास जो CN है, क्या है, CN साइनाइड, ये लोअर साइड से भी अटैक कर सकता है, अपर साइड से भी अटैक कर सकता है। तो अपने पास ये क्या बनाया, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा कंप्लीटली, और यहाँ पे लग गया साइनाइड, क्या लग गया, साइनाइड, कोई दिक्कत। अपने पास बताओ इस साइनाइड को क्या चाहिए, H+, क्या चाहिए, H+, मीडियम में H+ पड़ा है, दे दो, उठा के यहाँ पे H+ मीडियम में पड़ा है तो दे दो। तो अपने पास ये प्रोडक्ट बना, इसे बोलते हैं हाइड्रोसाइनाइड, क्या, ठीक है। तो अपने पास ये बात समझ गई। अब बताओ ये काइरल कार्बन है, नहीं, क्योंकि ये अपने पास पहले बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अपने पास ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 की sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, कोई दिक्कत, टेट्राहेड्रल है। क्या ये कार्बन काइरल है, जब काइरल कार्बन नहीं है तो यहाँ पे ये लिखोगे नो काइरल कार्बन, नो काइरल कार्बन, यहाँ पे जब काइरल कार्बन नहीं है तो क्या ये रेसमिक मिक्सचर बनाएगा, तो यहाँ पे नो रेसमिक मिक्सचर फाउंडेशन, नो रेसमिक मिक्सचर मिक्सचर फाउंड, तो यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। तो बात समझ आए। तो अपने पास ये रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड है। अच्छा बताओ इसी की रिएक्शन इसके साथ करवा देते, ये क्या है, एल्डिहाइड है अपने पास, ठीक है। अपने पास इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी जा रही है, HCN प्लस OH बेस के प्रेजेंस में करवाई जा रही है। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा, जब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो ये टूटेगा, तो किसमें, CNH और हाइड्रोजन प्लस में टूटा, तो ये क्या काम करेगा, ये जो कार्बन है कैसा कार्बन है, sp2 कार्बन है, ठीक है, sp2 कार्बन है। और कैसा प्लेन, कैसा है ज्योमेट्री, कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर, कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर है, कोई दिक्कत, कैसी है, ट्राइगोनल
प्लेनर है। तो अपने पास ये साइनाइड है, क्या है? साइनाइड है। और ये बांड कैसा है? पोलर है। जैसे ही ये बांड पोलर, तो अपने पास ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो चार्ज क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव। अपने पास इस कार्बन पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन किसकी तरह बिहेव करने लगा? ये इलेक्ट्रोफाइल सेंटर की तरह बिहेव करने लगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है और ऊपर से भी अटैक कर सकता है। तो हम पहली बार क्या कर रहे हैं? नीचे से अटैक करवा रहे हैं। अब बताओ, ये जो पहला स्टेप है, ये फास्ट स्टेप होगा कि स्लो स्टेप होगा? स्लो स्टेप होगा, क्योंकि अपने पास एक स्टेबल कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? अनस्टेबल कंपाउंड में। तो अपने पास ये पहला स्टेप होगा, इसे बोलेंगे स्लो स्टेप। क्या बोलेंगे? स्लो स्टेप, ठीक है। और स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं? RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, कोई दिक्कत? तो पहला स्टेप है C प्रोडक्ट बना, CH3HC, कोई दिक्कत? अपने पास यहाँ पे आ गया CN, और ये क्या हो गया? ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। कैसा आ गया? निगेटिव चार्ज। अपने पास जो अटैक दिखाया गया वो लोअर साइड से दिखाया गया। कहाँ से दिखाया गया? लोअर साइड से। ये अटैक अपर साइड से भी दिखाया जा सकता था, CH3HCN, और क्या है? ये वो निगेटिव। तो अपने पास क्या है? ये अटैक अपर साइड से दिखा रहा है, ये अटैक लोअर साइड से दिखा रहा है। अब एक बात ये चीज़ समझते हैं यहाँ पे, अपने पास ये जो लोअर साइड से अटैक दिखा रहा है, तो क्या ये कारल, ये अपने पास इसका, इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। क्या होगा? sp3 हाइब्रिड कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है। इस कार्बन को हम बोल रहे हैं sp3 हाइब्रिड कार्बन, ठीक है। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? तो बोलेंगे टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगी? ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो क्या टेट्राहेड्रल कर, अब हम जानते हैं ना कि काइरल कार्बन होने के लिए ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3। और उसे तब कहेंगे कि ये काइरल कार्बन है जब उससे जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट। तो यहाँ पे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है या सेम? डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो ये रश्मिक मिक्सचर बनाएगा। अगर ये अटैक लोअर साइड से है तो इसे मैं R कहूँ तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप S हो जाएगा। तो 50% अटैक लोअर साइड से भी हो सकता है, 50% अटैक अपर साइड से भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब 50% प्रोडक्ट R भी बन सकता है, 50% प्रोडक्ट S भी बन सकता है। अब इनकी दोनों की अपने पास यहाँ पे यह भी अनस्टेबल है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? निगेटिव चार्ज। मीडियम में हाइड्रोजन पड़ा है कि नहीं? एच के प्लस के फॉर्म में दे दो, हाइड्रोजन एच प्लस के फॉर्म में दे दो। तो अपने पास ये प्रोडक्ट बना, कोई दिक्कत? ये ठीक है, अगर मैं इसे नीचे दिखाऊं तो अपने पास ये रश्मिक मिक्सचर बनाएगा, बनाएगा। अपने पास ये प्रोडक्ट बना, ये देखो, तो 50% क्या बन रहा है? R। 50% क्या बन रहा है? S। कोई दिक्कत? तो अपने पास ये बात समझ आ गई। तो अपने पास ये क्या है? जो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड है, क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड है। रिएक्शन जब हाइड्रोजन साइनाइड करते हैं किस मीडियम में करवाएंगे? बेसिक मीडियम में। इससे पहले जब हम रिएक्शन विथ वाटर करवाए थे तो मीडियम क्या लिया था? एसिडिक मीडियम थे। तो वहाँ पे पहले एसिडिक मीडियम में तो एसिड बेस रिएक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट में ही, रिएजेंट में क्या हो रहा है? एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। तो अपने पास यहाँ पे HCN टूट जा रहा है, किसके प्रेजेंस में? OH माइनस के प्रेजेंस में। H प्लस के फॉर्म में जा रहा है और CN माइनस के फॉर्म में जा रहा है। अपने पास प्रोडक्ट इसमें क्या बन रहा है? रश्मिक मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पे जो काइरल कार्बन है क्या है? sp3 है, टेट्राहेड्रल, और चारों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। तो रश्मिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो सकता है, कोई दिक्कत? ठीक है, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। रिएक्शन विथ, अगर हम तुमसे बताएं इसकी रिएक्शन करो, एक रिएक्शन ये बना प्रोडक्ट, दूसरे रिएक्शन का प्रोडक्ट देखना। इसे बोलते एस्टोफिनॉन, एस्टोफिनॉन फिनॉन, इसे बोलते बेंजोफिनॉन।
देखो अपने पास इसका जो प्रोडक्ट बनेगा और इसका प्रोडक्ट बनेगा डिफरेंट बनेगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इसमें जब रिएक्शन करेंगे तो अपने पास, हाँ देखो अपने पास यहाँ पे क्या पोलराइज हो जाएगा बेस के प्रेजेंस में, तो क्या एच प्लस में टूटेगा और सी एल माइनस में टूटेगा। अपने पास देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन बेस के पास जो पाई बांड बना है वो पोलर पाई बांड है, क्या है पोलर पाई बांड है। तो अपने पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम क्या है ऑक्सीजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम क्या है कार्बन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ऑक्सीजन है तो अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। जब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये जो कार्बन है ये कैसा हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरीके, तो न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल लोअर साइड से भी अटैक कर सकता है और अपर साइड से भी अटैक कर सकता है, लेकिन वो क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नीचे वाला स्टेबल ज़्यादा बनेगा कि कम स्टेबल बनेगा, जो ज़्यादा बनेगा ऊपर वाला बनेगा। अब जब साल दोनों 50-50% बन रहे हैं तो नीचे और ऊपर से क्या मतलब है स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना CH3 ये क्या है, हाँ C6H5C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अपने पास क्या C6H5 ये क्या CH3, ठीक है CH3। अपने पास ये क्या है वो निगेटिव आया यहाँ पे और ये क्या है CN आ गया, क्या आ गया CN आ गया। अब बताओ ये जो है अपने पास ये कार्बन कैसा है sp3 कार्बन है, कैसा है sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन स्ट्रक्चर कैसा होगा टेट्राहाइड्रल, क्या होगा टेट्राहाइड्रल होगा, कोई दिक्कत अपने पास यहाँ पे टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा, कोई दिक्कत बॉन्डिंग 109 होगा। अपने पास ये बताओ ये ग्रुप काइरल कार्बन है कि नहीं, ये काइरल कार्बन है क्योंकि कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप कैसे हैं डिफरेंट हैं। जब चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो अपने पास 50% S बनेगा 50% R बनेगा, तो 50% ये R बना रहे हैं। अपने पास ये देखो प्रोडक्ट CH, फिफ्टी परसेंट एस बन रहा है। इसका मतलब ये अटैक अपर से भी हो रहा है, इसका अटैक लोअर से भी हो रहा है, तो 50% आर बन रहा है 50% एस बन रहा है। तो अपने पास ये क्या है दोनों, अपने पास क्या कहते हैं ये आर, अगर क्लॉक वाइज ये रोटेशन होगा तो आर होगा और एस एंटी क्लॉक वाइज। हम लोग अब पढ़ते हैं क्या कहते हैं सिस और ट्रांस वाले में नहीं पढ़े, ठीक है। तो अपने पास ये चीज़ है, अब इसमें क्या करवाया जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा दिया गया, ठीक है। जब हाइड्रोजन करवा दिया जाएगा तो अपने पास प्रोडक्ट ये बन जाएगा, कोई दिक्कत, तो प्रोडक्ट ये बना, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे रेसिग्नेचर बन रहा है क्योंकि कार्बन कार्बन कैसा है काइरल कार्बन है, कैसा है काइरल कार्बन है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बताओ प्रोडक्ट बना के, कहाँ पे यहाँ पे देखो अपने पास ये कैसा है, ये sp2 कार्बन है, कैसा है sp2 कार्बन है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है। जब ट्राइगोनल प्लेनर है तो अटैक अपर साइड से भी हो सकता है और लोअर साइड से, लेकिन दोनों ग्रुप क्या है सेम है तो ये रेसिंग मिक्सचर नहीं बनाएगा, तो हम अपर और लोअर की बात ही नहीं करते, ठीक है। तो अपने पास ये क्या है एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे एच प्लस और सी एल माइनस के फॉर्म में आएगा। तो अपने पास ये पोलर पाई बांड है ना, जब पोलर पाई बांड है तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अपने पास ये बना C6H5O- C6H5 और क्या आ गया CN आ गया, कोई दिक्कत हाइड्रोसाइनाइड है, ठीक है। तो अपने पास क्या CN आ गया, साइनाइड आ गया।
अपने पास बताओ ये ओ निगेटिव है अभी अनस्टेबल है तो इसको स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन है अपने पास प्रेजेंट है मीडियम में तो रिएक्शन करवा दो एच प्लस के फॉर्म में तो प्रोडक्ट ये बना। बताओ ये रेसिपी पिक्चर बनाएगा? हाँ नहीं बनाएगा। अपने पास ये कार्बन कैसा है? ये sp3 कार्बन है। कैसा है? sp3 कार्बन। प्लेन शेप कैसा होगा? टेट्राहाइड्रल। कैसा होगा? टेट्राहाइड्रल होगा, टेट्राहाइड्रल है। शेप कैसा है? टेट्राहाइड्रल। लेकिन क्या है, काइरल कार्बन है? नहीं, क्योंकि काइरल कार्बन होते हैं जिनसे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ पे जुड़े हुए दोनों ग्रुप ये सेम है, इसलिए रेसिपी मिक्सचर फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो अपने पास ये रेसिपी मिक्सचर फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। हाँ आज के लिए इतना काफ़ी है।